हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका सिद्धांत प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से एक बिल्डिंग छोटी छोटी बहुत सारी ईंटों से बनी होती है, उसी तरह से सजीवों का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है, चाहे वो सजीव एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो। आप सबने रॉबर्ट हुक का नाम सुना है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को सेल नाम दिया 1665 में, और उन्होंने ये नाम किस प्रकार से दिया, कॉर्क के सेक्शंस उन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया, देखा, और जो भी उन्हें कोष्ठ दिख रहे थे उन्हें उन कोष्ठों का नाम उन्होंने सेल दिया। उसके बाद श्लाइडन एवं श्वान दो वैज्ञानिकों ने 1839 में सेल थ्योरी प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोशिकाएं सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। वर्षो नाम के वैज्ञानिक ने 1858 में ये कहा, सेल थ्योरी में एक एडिशन किया। उन्होंने कहा कि जो भी कोशिकाएं हैं वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती हैं। वायरस किसी भी तरह से कोशिकाओं की कैटेगरी में नहीं माने जाते, नहीं आते, क्योंकि उनमें जो बेसिक जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं उनका अभाव होता है। हम साइजेस की बात करें तो बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, आमा लगभग 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर के मध्य होता है लगभग, और ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इसका आमाप 6 इंच होता है। एक सामान्य हिपैटिक कोशिका लिवर या कृत कोशिका लगभग 20 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। अब यदि हम सजीव जगत की समूचे कोशिकाओं को हम दो समूह में हम रख सकते हैं, एक समूह है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का और दूसरा समूह है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम अपेक्षाकृत हम आदिम प्रकार की कोशिकाएं मानते हैं, और उदाहरण है सारी की सारी जीवाणु कोशिकाएं यानी कि बैक्टीरिया कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आती हैं, एवं ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आती है, और सभी उच्च पादप व जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। अब अंतर क्या है इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में? जीवाणु कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है वो सुगठित प्रकार का नहीं होता है, यानी कि केंद्रकीय आवरण नहीं पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एकल डीएनए पाया जाता है जो कि वर्तुलाकार होता है, और वो एक न्यूक्लियोइड नाम के क्षेत्र में स्थित होता है, किंतु आवृत नहीं होता केंद्रकीय आवरण द्वारा। इन कंपैरिजन हम बात करें अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो वहाँ आनुवांशिक पदार्थ या क्रोमैटिन के चारों ओर केंद्रकीय आवरण पाया जाता है। दूसरा अंतर, अति महत्वपूर्ण अंतर है कि जितनी भी इकाई झिल्ली संरचनाएं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जीकाए, लाइजोसोम, रिक्तिकाएं, ये सारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में यानी कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, जबकि ये सारी इकाई झिल्ली संरचनाएं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, लाइजोसोम हैं, रिक्तिकाएं हैं, ये सारी की सारी यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित रहती है उपस्थित होती हैं। राइबोसोम की बात करें तो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और 80S प्रकार का पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में
सरल विखंडन द्वारा होता है, यहाँ माइक्रोट्यूबुल्स नहीं पाए जाते हैं, और जबकि यूकैरियोट में माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है, यहाँ माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, यहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजिला की। जो टिपिकल संरचना होती है 9+2 अरेंजमेंट तंतुओं का, वो ये अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक में जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है।